हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉमिक जोन। सरस से दोस्ती करने वाले आरिफ की बड़ी मुश्किल है। अब वन विभाग ने भेजा नोटिस, लगाया ये आरोप। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। अमेठी के सरस के दोस्त आरिफ की मुश्किलें बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश प्रभागीय वन अधिकारी गौरीगंज ने आरिफ को नोटिस जारी किया है। 2 अप्रैल को प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय में बयान दर्ज करवाने के लिए आरिफ को नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का धारा 2, 9, 29, 51 और 52 का उल्लंघन किया है। मोहम्मद आरिफ सरस से दोस्ती को लेकर काफी चर्चा में बने हुए थे, लेकिन बीते दिनों ये दोस्ती टूट गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने सरस पक्षी को समस्तपुर पक्षी विहार में शिफ्ट कर दिया है। करीब 1 महीने पहले सरस और आरिफ की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए चर्चा में आई थी। मोहम्मद आरिफ जम्मू ब्लॉक के मुकुट गाँव के रहने वाले है। अगस्त 2022 को अपने खेतों की ओर गए थे तो उन्हें वहाँ एक सरस पक्षी दिखाई दिया। उसका पैर टूटा हुआ था। आरिफ उसके नजदीक गए तो सरस पक्षी उन्हें देख कर भागा नहीं, बल्कि दया की निगाहों से आरिफ की ओर देखने लगा। इसके बाद आरिफ उसे अपने घर ले गए और आरिफ ने पक्षी की मरहम पट्टी की, इलाज किया, जिसके बाद सरस ठीक हो गया। उसके ठीक हो जाने के बाद ही आरिफ और उनके परिजनों को उम्मीद थी कि सरस ठीक होने के बाद वो उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरिफ की सेवा से सरस का ऐसा दिल जीत लिया कि वो उनके घर के पास ही रहने लगा। तब से आरिफ का परिवार ही सरस का परिवार बन गया। जहाँ जहाँ आरिफ जाते सरस उनके साथ जाता है, वह उनके साथ ही भोजन करता है। सरस आरिफ का दोस्त बन गया था। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।